हेलो फ्रेंड्स, खानदेश गोट फार्म ये हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए आए हुए वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। नमस्ते दोस्तों, आज हम बोर बकरे के बारे में इस वीडियो में जानकारी लेंगे। जो भी किसान भाई बोर बकरा खरीदना चाहता है, उस किसान भाई को बोर बकरे की नस्ल के बारे में जो भी जानकारी जरूरी है, उस जानकारी को हम इस वीडियो के जरिए देखेंगे। दोस्तों, बहुत से किसान भाई फ़ोन करके या खुद मिलके बोर बकरे के बारे में जानकारी लेते हैं। किस तरीके का, किस हिसाब से, रंग रूप का, उम्र का बकरा खरीदना चाहिए और बोर बकरे के लिए कितनी कीमत देने को ना, इस बारे में भी पूछते हैं। बहुत बार कुछ किसान भाई बोलते हैं कि पिछली बार जो बकरा खरीदा था उसकी नस्ल ठीक नहीं थी, वो क्रॉस था। उस कारण जो भी कुछ बकरे खरीदे जाते हैं उसमें जो चीटिंग होती है, ये चीटिंग ना होए और किसान भाई को जब भी बकरा खरीदना रहे तो उस बकरे में क्या देखना है, उसका रंग रूप कैसा है, बदन काठी कैसी, ये सब समझने के लिए हमें इस वीडियो बनाया हुआ है। बोर बकरे ज़्यादातर लेके अपने भारत देश में जो है उनका जो रंग है वो सफ़ेद रंग के बकरे हैं और ब्राउन कलर की उनकी गर्दन आती है, मुंह आता है। पूरा ब्राउन बकरा जिसको कलहरी बोर बोलते हैं वो तो भारत के अंदर नहीं है, कुछ परसेंटेज है कलहरी बोर के, उस कारण जो गर्दन का रंग है वो ब्राउन कलर में आता है। इस तरह से देखें तो दो रंग के बकरे होते हैं, एक तो फुल ब्राउन या फिर दूसरा ब्राउन नेक और वाइट बॉडी वाला। भारत के अंदर जो ज़्यादातर ब्राउन गर्दन और सफ़ेद बॉडी वाले बकरे दिखते हैं, उनके इस ब्राउन गर्दन और ब्राउन मुंह में भी दो रंग रहते हैं, मतलब अलग अलग कलर के। एक तो पूरा गर्दन, मुंह, कान सब फुल ब्राउन रहेगा, टोटली ब्राउन, और दूसरा ऐसा रहता है उसके अंदर की गर्दन मुंह ब्राउन और दोनों आँखों से बीच से लेके नाक तक एक सफ़ेद पट्टा आता है, ये अलग कलर का या अलग दिखने वाला बकरा आता है ब्राउन गर्दन में। ये जो रंग देखे, ये रंगों के अलावा बाकी जो कलर में बकरे आते हैं किसान भाई वो ना खरीदे तो बहुत अच्छा है। अगला अगर देखें हम बकरे की जो भी कोई फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, शरीर रचना है, उसमें सबसे जरूरी है कि जो भी अगला पैर है बकरे का वो 18 इंच से ज़्यादा लंबा ना हो। ज़्यादा लंबे बकरे, ज़्यादा ऊंचाई वाले बकरे, ये प्योर ब्रीड बोर बकरे की कोई निशानी नहीं दिखाते, ये क्रॉस ब्रीड बकरे रहते जो कि जो ऊंची नस्ल है कोई भी बकरे की उसके साथ क्रॉस किए हुए बकरे रहते। 18 इंच से ऊपर ना कि उसका अगला पैर हो। पीठ से लेके बकरे के लिंग तक जो भी लंबाई है वही लंबाई उसके लिंग से लेके जमीन तक की होने को। ज़्यादा ऊंचे बकरों में जो पीठ से लेके लिंग तक की लंबाई है वो कम आती है लिंग से लेके जमीन तक की लंबाई से, उससे आप समझ सकते हैं कि ये अच्छी नस्ल का बोर बकरा नहीं है करके। सामने के जो दोनों पैर रहते हैं उन दोनों पैर में जो सीना है उस सीने में 6 इंच से जगह ज़्यादा जगह होने को ना, या मिनिमम 6 इंच तो भी जगह होने को ना, मतलब दोनों सामने वाले पैरों के बीच में 6 इंच का अंतर रहे तो बहुत अच्छा है। उसी हिसाब से अगर पिछले जो पैर है बकरे के उनके अंदर भी अच्छा खासा अगर डिस्टेंस बने तो बकरा बहुत ही अच्छी नस्ल का होता है। जो सींग होते हैं बकरे के, बोर बकरों में काफ़ी बड़े होते हैं, जो सींग उगते हैं सिर से, जहाँ से भी सींग बाहर आते हैं वो दोनों सींग के बीच में 1.5 से 2 इंच की जगह होने को ना, दोनों सींग लग के साथ में ना बाहर आए, सींग पीछे की तरफ आने के बाद गोल घूमते हुए साइड में या बाजू में मुड़े तो बहुत ही अच्छे रहेंगे। बकरे के जो बाल रहते हैं वो भेड़ के बाल के शरीर के मुलायम रहते हैं, और इसी तरह के अगर रहे मुलायम बाल वाला बकरा तो ये अच्छी बोर बकरे के नस्ल की निशानी है। इसलिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा ये जो चीज़ें हमने कही है इनको ध्यान में रखते हुए अगर आप बकरा खरीदें तो बहुत अच्छा होता है।
क्योंकि बोर बकरों में अभी तो भारत के अंदर नस्ल कुछ ठीक तो नहीं है, फिर भी जो भी बकरे हैं अपने यहाँ पे उनमें ज़्यादा से ज़्यादा जो भी कुछ असली नस्ल के जो भी निशानियाँ दिख रही है उनको अगर समेट के हम लोग चले तो ये ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। और किसान भाइयों को जो लोग मतलब चीटिंग करते हैं, क्रॉस बकरा या कम मतलब गुणवत्ता वाला बकरा जो दे देते हैं, ये ऐसी बातें नहीं होगी। अगर किसान भाई को खुद पता रहे कि बोर बकरे की नस्ल की क्या क्या विशेषताएं होती है और उन विशेषताओं को देख के अगर वो बकरा खरीदे तो उसमें भविष्य में ज़्यादा मुनाफा होगा, फायदा होगा।